हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है GTA 5 के न्यू वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग करने वाले हैं माइकल से मिशंस कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि माइकल की एंट्री क्या प्यारी हो गई थी गाइज, एकदम ऐसे धांसू हो गई थी। अभी गाइज मुझे अमेंडा का कुछ मैसेज आया था इसके वाइफ का। अभी हम लोग जाने वाले हैं माइकल के हाउस पर, देखने वाले क्या कुछ होता है या फिर नहीं। अभी हम लोगों को न्यू कार भी खरीदनी है। ओके, तो उससे इसके लिए हम लोग साइमन से पूछ लेंगे, बट साइमन से अभी हमारा झगड़ा हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो हम लोग चले जाते हैं। अभी माइकल का हाउस का मैंने ये डाल दिया है GPS। अभी फटाफट से कार में बैठता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाले मेरे नए नए वीडियोज है आपके पास तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड गाइज आप लोग प्लीज़ लाइक प्लीज़ कर देना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक कर देंगे मेरे वीडियो को तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा गाइज, ताकि मैं और जल्दी जल्दी मतलब वीडियो बनाता रहूँ। ओके सो गाइज, अभी हम लोग फटाफट से वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि गाइज माइकल को अभी मतलब पैसे वाला बनना है गाइज, और नए नए घर लेने, नए नए कार्स लेनी है गाइज। एंड यस गाइज, माइनक्राफ्ट के भी वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी, आप उसका टेंशन ना लीजिए गाइज। बट अभी GTA स्टार्ट किया है तो थोड़ी देर तक हम GTA खेलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि कब आएगी माइनक्राफ्ट की वीडियो। ओके सो गाइज, अभी मैं पहुँच चुका हूँ माइकल के घर पर। ओके, बस अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और आगे से राइट टर्न लेना है। तो आ गया माइकल का हाउस। ओके ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं माइकल के घर पर। माइकल अभी पहुँच चुके हैं। ओके, अभी दिन गाइज इनके घर में कुछ ना कुछ तो दिन में झगड़ा होता ही रहता है। अभी आप लोग पिछले वाले वीडियो में अगर देखेंगे कि जो हमारा फ्रैंकलिन था वो भी इसी घर में आया था चोरी छुपे, उसकी कार चुराने के लिए वो भी इसे ही लड़ रहे थे गाइज। Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. Called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. Not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. We're taking my wife's car.
ओके सो अभी इन लोगों की बात हो चुकी है, अभी जिमी का हम लोगों को कॉल आ गया है तो Jim, I'm going for a drink. Dad, shit. I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. So guys, इनकी किसी ने शिप चुरा ली है. All right, I'm coming for my boat. ओके सो गाइज अभी हम लोगों को फटाफट से बाहर जाना पड़ेगा एंड अभी जो हमारे मतलब बोट है इसके फ्रैंकलिन के वो चोरी हो चुके हैं तो अभी हम लोगों को फटाफट से जाना पड़ेगा. ओके सो लेट्स गो. कैसी हो गई इनकी हिम्मत की. ओके सो लेट्स गो गाइज. वहाँ पर हमारे जिमी को भी उन लोगों ने किडनैप कर लिया है तो अभी हम लोगों को फटाफट से जाना पड़ेगा. सो ओके गाइज अभी हम लोग नज़दीक पहुँचने ही वाले हैं गाइज. तो उसका तो अभी मैं ऐसा बैंड बजाने वाला हूँ कि मेरे बेटे को भी मतलब उसने किडनैप कर लिया है और जिमी को भी किडनैप कर लिया है और मेरी शिप को भी उसने चुरा लिए. अभी देखता हूँ उसे गाइज. बाइक होते फटाफट से चला जाता क्योंकि ये ओके गाइज हो रहा है सामने ट्रक. अभी हम लोगों को फटाफट से उसके पीछा करना पड़ेगा. कहाँ तक भागेगा, मेरे पास कार है. फ्रैंकलिन को अभी उस ट्रक के नज़दीक लेकर जाना पड़ेगा मुझे. भाई ये क्या क्या चला रहा है, क्या कहा ट्रक क्या सभी को उड़ा रहा है. ओके तो फ्रैंकलिन चला गया. ओके सो देख सकते हो आप लोग वहां पर उन लोगों का झगड़ा हो रहा है गाइज. फ्रैंकलिन कुछ तो मदद कर रहे हैं अभी गाइज मुझे. ओके गाइज फ्रैंकलिन ने उस बंदे को उड़ा दिया. फटाफट से मुझे वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जिमी भी है. ओके गाइज सो मैंने जो फ्रैंकलिन को जो फाइट कर रहा था फ्रैंकलिन से उससे मैंने टपका दिया है एक ही हेडशॉट में. ओके जिमी ये क्या ट्रक क्या चला रहा है यार. ओके सो जिमी अभी हमारे कार में आ चुका है. अभी फ्रैंकलिन को भी बचाना पड़ेगा गाइस. सो ओके अभी फ्रैंकलिन को बचाने के लिए अभी हम फटाफट से जाते हैं गाइस. मेरी कार के पूरी ओके तो अभी हम लोगों को इस ट्रक वाले का पीछा करना ही पड़ेगा. उसने हमारी शिप चुरा लिया तो अभी इसे मैं दिखा देता हूँ कि माइकल के जो ओ व्हाट इज दिस यार. यार गाइस अभी मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा गाइस. अभी मेरे बोट तो चले गए. Shit, yeah, guys, मेरे बोट चली गई. तो अभी गाइज इनका मतलब बातचीत हो चुकी है. अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से लॉस सैंटोस कस्टम में क्योंकि अभी कार के आप लोग हालत देख सकते हो कि नहीं तो इसे हालत में अगर मैं कार में घर पर लेकर चला गया तो अमंडा आप समझ ही सकते हो कि अमंडा माइकल के क्या कर सकते हो. ओके गाइज क्योंकि अमंडा की फेवरेट कार है. तो ओके गाइज अभी हम लोग लॉस सैंटोस कस्टम में पहुंचने वाले हैं गाइज. तो अभी इतनी बुरी तरीके से ठुकी हुई कार में ऐसे ठुक ठुका के लेकर चला आ चुका हूँ. ओके ओके तो अभी फ्रैंकलिन हमारी कार लेकर जाएगा. अबे मोटे चलना. ओके सो अभी माइकल चला जाएगा अपने टैक्सी से. यार इस जिमी के वजह से मतलब हमारी अमांडा की कार भी ठुक चुकी है और अभी क्या बोलूं गाइस. और हमारी जो महंगी वाली शिप थी वो भी चली गई है. तो ओके गाइस अभी हमने अमांडा की कार
जैसी थी वैसे ही नहीं करके लेकर आ चुके हैं। सो ओके, अभी लगता है हम लोगों को फिर से अभी माइकल के घर पर जाने पड़ेगा और उसकी कार हम लोगों को देकर आनी पड़ेगी। सो गाइज, ये कुछ डीलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओके गाइज, अभी हम लोग अमेंडे के कार माइकल के घर पर लेकर आ चुके हैं। अभी देखते हैं क्या होता है आगे गाइज। सो ओके, Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. तो ओके गाइस, अभी फ्रैंकलिन के पास अभी न्यू कॉन्टैक्ट आ चुके हैं हमारे माइकल भैया का और जिमी का। तो जिमी के साथ मतलब जिमी इसके साथ मतलब कुछ डीलरशिप वगैरह कुछ करना चाहता है, मतलब इसके साथ कुछ काम करना चाहता है। ओके, तो जिमी का अभी मैसेज आ चुका है। ओके, सो अभी ये मेरे बोल रहे कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, तो अभी हम लोग कभी भी मतलब कहीं पर भी जा सकते हैं। ओके गाइस, सो ओके गाइस, आज हम लोगों ने माइकल के बेटे के जिमी को बचा लिया है और जिमी हमसे बात कर रहा है कि हम लोग कुछ पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस स्टार्ट करें या फिर ओके। सो जिमी है, इससे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी देखते हैं अभी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं और माइकल का क्या डिसीजन होता है आगे जाकर। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में बस इतने। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि जो आने वाले मेरे नए नए वीडियोज है आपके पास से जल्दी जल्दी पहुँचे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, लीव अ लाइक, नमस्ते गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।